यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 12 एंड 13 एनसीईआरटी की बुक से। तो अभी तक आपने पढ़ा कि किस तरह से न्यू रिलीजन्स आते हैं, न्यू रूलर्स आते हैं, किंगडम्स आते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थिंकिंग अबाउट टाइम and historical periods। Historians did not see time just as a passing of hours, days and years, as a clock or a calendar। Historians कभी भी time को इस तरह से नहीं देखते कि सिर्फ hours जो हैं वो passing यानी गुजर गए हैं, दिन चले गए, ईयर्स जो हैं वो जा चुके, बीत चुके हैं, या किसी कैलेंडर या क्लॉक की तरह नहीं देखते वो इसको। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, कि जो भी टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं, यानी कि टाइम किसको रिफ्लेक्ट करता है, जो चेंजेस होते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, किसी भी तरह के आइडियाज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होना, बिलीव्स में ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है बदलाव होना। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इन टू लार्ज सेगमेंट्स पीरियड्स दैट पोजेस शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स। अब टाइम की स्टडी जो है वो ईजी हो जाती है जब पास्ट को लार्ज सेगमेंट पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेडिवल पीरियड है, एंशिएंट पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्ट्रियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent। आपने पढ़ा कि किस तरह से जो British historians हैं वो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और रिलीजन के बेसिस पर। यह इसके ऊपर बेस्ड था कि रूलर का रिलीजन क्या है, यानी कि जो किंग है, जो एम्परर है, उसका रिलीजन क्या है, ये सिर्फ उसी पर बेस्ड था। और इसमें जो अदर डेवलपमेंट्स हुई थी, सिग्निफिकेंट होता है इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुई थी, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो या कल्चर में हो, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इसमें जो हमारी रिच डाइवर्सिटी है सब कॉन्टिनेंट की, यानी कि फ्लोरा एंड फाना जो है डिफरेंट टाइप्स की, तो उसको भी इग्नोर किया गया। इग्नोर करना मीन्स किसी चीज़ को छोड़ देना या उसकी तरफ ध्यान न देना। फ्यू हिस्ट्रियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टूडे, कुछ हिस्ट्रियंस जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू करेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, और कुछ लोग इकोनॉमिक और सोशल जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हैं। वो पास्ट का जब एक्सप्लेनेशन करते हैं पास्ट की, तो वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स देखते हैं, जैसे ब्रिटिश हिस्ट्रियंस ने रिलीजन के बेसिस पर जो पीरियडाइजेशन किया है इंडियन हिस्ट्री का। द हिस्ट्रीज You read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms। तो पिछले साल आपने पढ़ा था early societies के बारे में, उसमें hunter-gatherers थे, early farmers थे, people towns और villages में रहने वाले, और early empires and kingdoms। The histories you will be studying this year are often described as medieval। इस बार आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसे मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़,
आप इसमें पाएंगे किस तरह से पेजेंट सोसाइटी जो है वो ज़्यादा स्प्रेड होती है, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, आप रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, और कई बार आप देखेंगे कि पेस्टोरल, पेस्टोरल होता है जो घास के मैदान होते हैं ग्रासलैंड्स, और फॉरेस्ट पीपल यानी कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनका भी अपना एक कल्चर है कि वो किस तरह से अपना किंगडम जो है वो बनाते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स, और आप पढ़ेंगे कि किस तरह से हिंदुइज्म और इस्लाम में जो है वो डेवलपमेंट होती है, एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और किस तरह से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं चाहे वो फ्रांस से हो, इंग्लैंड से हो या पुर्तगाल से हो, दीज थाउजेंड ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज, कंसिडरेबल होता है इनफ, बहुत ज़्यादा, कि आप इन थाउजेंड ईयर्स में पढ़ेंगे कि 700 से लेकर 1750 तक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th एंड द 11th, और फिर भी जो 16th और 18th सेंचुरी है वो 11th और 8th सेंचुरी से बिल्कुल अलग है, therefore describing the entire period as one historical unit is not without its problems, और इस तरह से इस पूरे पीरियड को एक हिस्टोरिकल यूनिट में अगर हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मोरओवर द मेडिवल पीरियड इज़ ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड, मेडिवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड के साथ भी उसका कंट्रास्ट है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, कि मॉडर्निटी में माना जाता है कि मटेरियल प्रोग्रेस हुई यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हुई, एजुकेशन ज़्यादा बढ़ी, दिस सेम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाट्सोएवर, और इस तरह से मेडिवल पीरियड वो था कि जिसमें इस तरह के चेंजेस बिल्कुल भी नहीं हुए थे, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं थे, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, कोई एजुकेशन में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस, लेकिन हम जानते हैं कि ये कोई विषय नहीं था, ड्यूरिंग दिस थाउजेंड ईयर्स द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, हमने देखा कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें होते हैं थाउजेंड ईयर्स में 700 से लेकर 1750 तक, और जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है वो यहाँ पर अट्रैक्ट होती है, प्रोस्पेरिटी होता है समृद्ध होना, वेल्दी होना, एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क, जैसे आप इस बुक को पढ़ते हैं आप उन चेंजेस के साइंस को देखें यानी कि जो किस तरह से चेंज हुए उनके क्या क्या सिंबल्स हैं, एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क, आल्सो व्हेन एवर यू कैन कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विद व्हाट यू रीड लास्ट ईयर, कि जैसे ही आप इस बुक को पढ़ते हैं आप कंपेयर कर सकते हैं जो आपने पिछले साल पढ़ा उसके साथ, लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेयर एवर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी व्हाट एल्स हैज चेंज्ड और रिमेन्ड द सेम, तो आप इस तरह से आज के टाइम के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ क्या देखते हैं, क्या उसमें कोई चेंज है या पहले के जैसा ही है, तो ये था आपका पेज नंबर 12 एंड 13।